दोस्तों गर्दन में दर्द होने के बहुत से कारण होते हैं, लेकिन जो दर्द आपको अपनी गर्दन से बहता हुआ आपके हाथों तक में महसूस होता है, इस दर्द का सबसे बड़ा कारण होता है आपकी गर्दन में नस का दबा होना। दोस्तों हमारी गर्दन की नस के दबे होने के कारण हमें गर्दन में दर्द और हाथों में बहता हुआ दर्द, सूनापन और झंझनाहट का हमें सामना करना पड़ता है। इस दर्द के कारण जब भी आप अपने डॉक्टर को दिखाते हैं तो डॉक्टर हमेशा सजेस्ट करता है कि आपको इस दबाव को हटाना होगा, और इस दबाव को हटाने के लिए सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है फिजियोथेरेपिस्ट के पास, वो है सर्वाइकल ट्रैक्शन। इस ट्रैक्शन की सहायता से हम गर्दन के बीच की डिस्क पे जो दबाव होता है उसे रिलीज करते हैं, और दबाव हटने से नस के ऊपर आने वाले दबाव में भी पेशेंट को काफ़ी आराम मिलता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप घर पे रहकर इस ट्रैक्शन को कर सकते हैं, और बाकी कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस बताएंगे जो आप अपनी दबी हुई नस को ठीक करने के लिए घर पे बैठे हुए कर सकते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज। तो दोस्तों गर्दन में दबी नस को निकालने के लिए हमारे पास सबसे पहला मेथड है सेल्फ सर्वाइकल ट्रैक्शन। इसे करने के लिए आपको एक पतले तौलिए की या फिर पतले कपड़े की ज़रूरत है, जिसे आपको अपनी गर्दन के पीछे ऑसिपिटल बोन यानी कि जहाँ पे आपकी गर्दन का घुमाव ख़त्म होता है और गर्दन शुरू होती है उस जगह पे रखना है, और अपनी गर्दन को पीछे इस टावल या इस तौलिए पर छोड़ देना है, और फिर अपने हाथ को ऊपर की तरफ खींचना है, गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं गर्दन पे अच्छा खिंचाव ट्रैक्शन आपको नज़र आएगा, और इसी एक्सरसाइज को इसी ट्रैक्शन टेक्निक को आपको दिन में 2 से 3 बार रिपीट करना है। हर बार 5 से 10 रिपीटेशन आप कर सकते हैं। किसी तरह का पेन होने पर इस ट्रैक्शन को ना करें। दोस्तों हमारी दूसरी एक्सरसाइज में आपको जिस हाथ में दर्द है उस हाथ को पीछे की तरफ मोड़ लेना है, और फिर दूसरे हाथ से अपनी गर्दन को पकड़कर साइड में स्ट्रेच करना है। ये एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है आपकी गर्दन की टाइटनेस के लिए, साथ ही दबी नस के अंदर भी आप इसे दिन में 2 बार रिपीट कर सकते हैं। हर बार 10 से 15 रिपीटेशन ले सकते हैं। जिन लोगों को अपर ट्रेपेज़ियस मसल्स की स्वेलिंग या कोई टीयर होने के कारण भी जो नर्व पेन आता है उसके अंदर भी इस एक्सरसाइज को करने से आपको काफ़ी बेहतर रिजल्ट मिलेगा। इन सभी एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले आप गर्म पानी का सेक अपनी गर्दन और अपनी कंधे की मांसपेशियों पर कर सकते हैं, जिससे आपको एक्सरसाइज का इफेक्ट ज़्यादा अच्छा मिलेगा। ध्यान रखें आपको उतना ही स्ट्रेच करना है जिसमें आपको इंजरी ना हो, यानी आपको स्ट्रेच का जो इंटेंसिटी है वो बहुत हल्का ही रखना है स्टार्टिंग में। दोस्तों हमारी तीसरी एक्सरसाइज है चिन टग एक्सरसाइज। हमने आपको पहले भी काफ़ी वीडियोस में बताया था कि पोस्चर कंडीशन बिगड़ने के कारण भी, यानी कि फॉरवर्ड हेड पोस्चर, नेक हम्प होने के कारण भी पेशेंट को अपने हाथों में जाने वाली नसों पे दबाव रहता है। तो चिन टग एक्सरसाइज बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है आपकी सर्वाइकल फ्लेक्सर को स्ट्रेच करने के लिए, साथ ही आपके सर्वाइकल के एक्सटेंसर को भी स्ट्रेंथ करती है। इस एक्सरसाइज से आप अपनी गर्दन के पोस्चर को मेंटेन कर सकते हैं, जिससे कि आपको गर्दन की नसों पे या फिर गर्दन की मांसपेशियों पे किसी भी तरह का दबाव नहीं रहेगा। ध्यान रखिए अगर आपकी गर्दन का पोस्चर बिल्कुल ठीक रहेगा तो गर्दन की काफ़ी बीमारियों को आप ठीक कर सकते हैं घर रहकर। और चिन टग एक ऐसी एक्सरसाइज है जिससे आप मल्टीपल आपकी मसल्स को कवर कर सकते हैं इस सिंगल एक्सरसाइज के अंदर। तो जैसा हमने आपको वीडियो में दिखा रखा है उसी तरह से इस एक्सरसाइज को आपको करना है, दिन में 2 बार इसको रिपीट करना है, हर बार 10 से 15 रिपीटेशन लेने हैं। दोस्तों हमारी लास्ट एक्सरसाइज है हमारी नर्व का मोबिलाइजेशन। इस नर्व मोबिलाइजेशन करने के लिए आपको हाथ को 90 डिग्री के आसपास लेकर जाना है और अपने रिस्ट को भी 90 डिग्री पे मोड़ लेना है। फिर आपके हाथ का और आपकी गर्दन का मूवमेंट एक साथ होगा। इसमें हम अपनी सर्वाइकल की जो वर्टिब्रा है इसको साइड से ओपन कर रहे हैं, साथ ही नर्व को स्ट्रेच कर रहे हैं। इस नर्व की स्ट्रेचिंग मोबिलाइजेशन से भी दबी हुई नस में काफ़ी आराम मिलता है। इस एक्सरसाइज को आप जब रिपीट करेंगे तो आपको एक नर्व का पूरा खिंचाव गर्दन से हाथ तक महसूस होगा। अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब आप अपनी एक्सरसाइज को बिल्कुल सही तरीके से कर रहे हैं। तो दोस्तों ये कुछ एक्सरसाइज थी जिसके थ्रू आप अपनी दबी हुई नस को ठीक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।